G20 चंद्रयान 3 आदित्य L1 महिला रिजर्वेशन बिल्लु वंटिवि భారతదేశంలో కొత్త శక్తి నింపాయని హోం మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. ఢిల్లీలో ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. స్వాతంత్రం పొంది దేశం 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని ఈ మధ్య కాలంలో అన్ని రంగాల్లోనూ అనేక ఘనతలు సాధించిందని అన్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై మనం ఏంటో నిరూపించుకున్నామని షా పేర్కొన్నారు. 33% నీతి నిర్ధారణమే రిజర్వేషన్ ఈ చారో ఘటనాలను समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है. मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है. आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है. हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है. क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है. और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज ए कंट्री ये नाते सफलता. कई परिवर्तन हुए, कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, रक्त की एक बूंद बहाए बगैर बड़ी सिफत के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हमने परिवर्तन किए. कई सरकारें बदली, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर हमने ये भी देखा है कि हमने दुनिया को दिखाया है कि नीति के मामलों में गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इसको भारत ने कर दिखाया है और हम आगे बढ़े. एक पार्टी की सरकार गई, दूसरी पार्टी की सरकार आई, नीतियां जरूर बदलती हैं पर नीतियों में कंटिन्यूटी रही. और इसी के कारण ये 75 साल की यात्रा, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे अर्थतंत्र का, चाहे अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशन को नीचे तक पहुंचाने का मामला हो, साक्षरता को नीचे तक पहुंच, हर क्षेत्र में 75 साल में हमने काफी कुछ हासिल किया है. परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरव गान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां खड़ा